आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश को कल मिलेगी तीसरी वनडे भारत ट्रेन, स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन में सुरक्षा और सुविधाओं पर होगा खास जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दबांग घाटी का किया दौरा, जवानों से की मुलाकात। आर्म्ड फोर्सेस में अफसरों के अभिचार पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन के लिए बने हैं मैकेनिक्स। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के 40 पोस्टर फाड़े गए, कल राज्य में एंट्री करेंगे राहुल गांधी। 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह होगा शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर बदायूं से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर प्रधान पुत्र पर दबंगई का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधान पुत्र स्कूल आकर बच्चों को डराकर उनका बयान दर्ज कर नौकरी ना देने की धमकी देते थे और अवैध तरीके से पंचायत भवन बाउंड्री का निर्माण करा रहे थे। साथ ही आला अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। पहले 5-6 महीने पहले कभी की बात घटना है, वो जब इलेक्शन में इलेक्शन हो रहा, जीत हार हो रही थी उस टाइम की, तो किसी तरीके की बात थी, तो उसमें जो है इतनी आक्रोशित और इस तरीके की मतलब बातें सरकार उरकार के लिए किस किस के लिए कैसी कैसी बातें कुछ कर रहे थे, इत्तफाक थे। अब मुझे भी वहाँ बुला लिया सामने और उन्होंने जो है इस तरीके की मतलब बातचीत की, तो मैंने इस तरीके से बात रखी के वो जो ऐसा ऐसा वो है वो जो करेगा वो भरेगा, इस तरीके की कोई बात हुई में मैंने कहा। और बाद में जो है मैंने कहा कि बात हालांकि मुझे एक वो अशोभनीय भाषा आई है, लेकिन बांगर वो की बात जो है वो। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने देवरिया का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, गौ माता को चना गुड़ और केला खिलाया। इसके बाद डिप्टी सीएम आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि PFI के अनेकों ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहाँ से देश विरोधी सामग्री बरामद हुई। भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के दाग अगर आप गिनाने लगेंगे समाजवादी पार्टी पर, तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहां तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे माफिया मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हों चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहे हों। गाजियाबाद में यशोदा अस्पताल में रोबोटिक्स सर्जरी का आज शुभारंभ करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित और रिबन काटकर इस रोबोटिक मशीन का शुभारंभ किया। साथ ही साथ इसके मौके पर केंद्रीय मंत्री और सांसद और पांचों विधायक, मेयर समेत सभी लोग उपस्थित हुए। वहीं यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में यह खर्च मात्र 80 से 90 हज़ार के बीच आएगा। यशोदा अस्पताल का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस तक रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिल सके और ओपन सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी रोगियों को काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली है। इस सर्जरी के बाद मरीज जल्द से जल्द अपने घर जा सकते हैं। फर्रुखाबाद में सीएम योगी के निर्देश पर मदरसे की जांच करने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मदरसे की जांच करने पहुंचे तो बाहर ताला लटका मिला। उन्होंने मोहल्ले वालों से ताला खुलवाने की बात कही, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद ताला नहीं खुला। आखिरकार जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने पुलिस को बुलवाकर मदरसे का ताला खुलवाया, जहाँ पर 2 कमरों के अंदर ही आवासीय मदरसा संचालित मिला। मदरसे से महिला शिक्षकों ने
पर्दे में होने की बात कहकर जांच अधिकारियों को बच्चों से बात करने से रोक दिया। जांच अधिकारियों ने जब महिला शिक्षकों से मदरसे के मान्यता संबंधी प्रपत्र मांगे तो वह उनको भी नहीं दिखा सकी, ना ही मदरसे को संचालित करने में होने वाले व्यय खर्च की जानकारी उनको दे सकी। शासन के निर्देश हम लोग मदरसों की जांच कर रहे हैं जनपद में, आज सुबह से हम जांच कर रहे हैं। एक घेर श्यामो खैर मोहल्ला में सूचना मिली थी कि एक मदरसा अभी चल रहा है जिसकी कोई मान्यता नहीं है, तो उसी की जांच करने के लिए मैं आया था। बाहर से ताला बंद था, लगभग हमने एक घंटा प्रयास किया, मोहल्ले के लोगों भी कहा कि आप खोलिए इसको, जाँच करवा दीजिए, कोई बताने वाला ही नहीं था। फिर एक घंटे बाद फिर हमने पुलिस की मदद से उसको खुलवाया और जाँच की, तो इसमें लगभग 65 बच्चे पढ़ते बताए गए। इसमें सभी गर्ल्स पढ़ रही हैं, जिसमें 35 बच्चियाँ बाहर की हैं, जिसमें दिल्ली की भी हैं, मुरादाबाद की भी हैं, इटावा की भी हैं, जयपुर की बच्चियाँ पढ़ रही हैं और बाकी बच्चे लोकल के हैं। मैक्सिमम जगहों पे दीनी तालीम दिया जा रहा है, कुछ जगहों पे जो आधुनिक विषय हैं मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। शाहजहाँपुर में रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग और लायंस क्लब सहेली ने विश्व हृदय दिवस के अवसर पर प्रकाश हेल्थ केयर सेंटर पर शुगर हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों के जागरूक किया जा रहा है। शिविर में लगभग 223 लोगों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवा वितरित की गई। शिविर के विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना के बाद से लगातार शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अपनी नियमित दिनचर्या खान पान में बदलाव लाकर हम सभी स्वस्थ हो सकते हैं। आज आप प्रकाश हेल्थ केयर सेंटर पर रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग और लायंस क्लब सहेली के द्वारा एक ब्लड हार्ट डे के उपलक्ष्य में एक ब्लड टेस्टिंग का सेमिनार रखा गया है। यहाँ जहाँ चेकिंग चल रही है आप देख रहे हैं डायबिटीज़ शुगर, और इसके साथ में जो है यहाँ पर आयुष डिपार्टमेंट की टीम है और डिस्ट्रिक्ट की भी डॉक्टर्स की टीम है। अगर किसी को कोई भी समस्याएं हैं तो उसका यहाँ पर इलाज उपलब्ध है जो बिल्कुल निशुल्क रहेगा। ये प्रकाश यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर अभी हाल ही में खुला है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। मैं एक दिन पहले भी आया था, और आजकल जो तनाव भरी ज़िंदगी है, भौतिकवादी जीवन है, उसमें नेचुरोपैथी लगातार बढ़ रहा है। आप वो एम्स में या कहीं भी एलोपैथ में इलाज ना हो या रिलीफ ना मिले तो आप वो नेचुरोपैथी में, इस समय समाज ज़्यादातर नेचुरोपैथी में जा रहा है, ये टिकाऊ। खबर मैनपुरी से, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भोगांव स्थित सीएससी में सैकड़ों लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया। इस मौके पर विधायक राम नरेश अग्नोत्री ने सीएससी में भर्ती मरीजों से मिल उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और सीएमओ को बेहतर इलाज के दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही सीएमओ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मंत्री को गुलदस्ते देकर स्वागत किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारी पार्टी ने तय किया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम ऐसे हुए। आज उसी श्रृंखला में ये जो बूस्टर डोज लगनी चाहिए कोविड वाले हमारे मरीजों को या जिनको कोविड नहीं हुआ उनको भी, ताकि उनको न हो, ऐसा बूस्टर डोज लगाने का अभियान पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर है। उसी क्रम में मैं भोगांव से सीएससी आया हूँ और बूस्टर डोज के साथ साथ मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया है, जहाँ ठीक से सभी मरीजों का उपचार हो रहा है। खबर औरैया से, जहां शिक्षक की पिटाई के बाद छात्र की मौत पर अब शासन सख्त होता दिख रहा है। साथ ही शिक्षक को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद राम केठरिया और जिलाधिकारी ने पीड़ित परिजनों को 2 बीघा जमीन और आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने बताया कि सीएम योगी सख्त हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज डीएम साहब हमारे साथ में आए हैं, उस पीड़ित परिवार के पिताजी को 2.5 बीघा जमीन दिया गया है, मकान की व्यवस्था की गई है और उनका जो कार्ड है वो कार्ड की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से जो कानूनी तौर पे जो संभावना थी उस दृष्टि से जो जो सहयोग संभव था वो हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। डीएम साहब ने खुद चिंता की है और आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी मदद करेंगे। सीतापुर के कोतवाली लहरपुर में बेहटा ब्लॉक के ग्राम मोहम्मदापुर उसिया निवासी की बेटी का विवाह लहरपुर क्षेत्र के निवासी एक युवक के साथ हुआ था। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल जनों ने उनकी बेटी को जला दिया गया है।
जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़िता ने बताया कि मेरी पुत्री को ससुरालीजनों ने लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया है। असल में मेरी चचेरी बहन नीलम गुप्ता निबोरी नहर के किनारे, जो निबोरी थाना लहरपुर पड़ता है, वहाँ पर ब्याही थी 22/8/2022 को। उसको सुबह करीब 7:30 से 8 के बीच में जिंदा जला के मार दिया गया। काफ़ी भाग दौड़ की जितनी जानकारी थी उससे ज़्यादा हमने जो भाग दौड़ की, लेकिन पुलिस से हम संतुष्ट नहीं है। पुलिस जान हमको बुला रही है बार बार, मैं बार बार गया वहाँ पर, अपनी बात को हमने रखा भी, लेकिन मुजरिम के दरवाजे कभी नहीं गए। हमारी जो बड़ी लड़की है उसको जिंदा जला दिया गया और कृपया कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। हम सीतापुर और लहरपुर हर जगह मैंने अप्लीकेशन भेजा, लेकिन कोई। जनपद सीतापुर के थाना रेउसा में पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अभियुक्त को धर दबोचा है, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार व हथियार बनाने के औजार भी बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त हसन अली पुत्र सैयद अली निवासी ग्राम तकिया थाना रेउसा जनपद सीतापुर को 1 अदद देसी तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर चालू हालत, 5 अदद तमंचा मय बंदूक 12 बोर अर्धनिर्मित तथा अन्य बनाने के उपकरणों के साथ अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट व 5/25 आर्म्स एक्ट धारा अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई। खबर सीतापुर से, जहां अज्ञात बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने बाइक, नकदी, मोबाइल लूट लिया है। साथ ही पीड़ित ने अज्ञातों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। गांव गए थे दोपहर में और मझगांव गांव से 9:30 के करीब मैं गांव के पास पहुंचे तो मैंने सोचा कि साँच कर लें। साँच करने के बाद अज्ञात 3 लोग आए बाइक से, वो पिस्तौल रख के हमारे पेट पर, उन्होंने हमारे हाथ एक लोग बांध दिए एक और गाड़ी ले लिए, चाबी ले लिए, फ़ोन ले लिए और 600 रुपया जो भी हो हमारे पास पर्स में वो ले लिए और लेके बस भाग गए। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता मौजूद रहे। इस दौरान MSP के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से धोखा कर रही है, बड़े व्यापारियों को फ़ायदा कैसे होगा, उस पर काम हो रहा है, उनको सस्ती ज़मीन सस्ते अनाज देकर फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, सरकार बिजनेसमैन के पक्ष में काम कर रही है, MSP गारंटी कानून अगर सरकार बनाएगी तो बिहार का किसान 800 में अपना धान नहीं बेचेगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का किसान सस्ते में अनाज नहीं बेचेगा, इसलिए सरकार MSP गारंटी कानून नहीं देगी, क्योंकि व्यापारियों को सस्ते में अनाज देना है और व्यापारी उपभोक्ताओं को महंगे में अनाज बेचने का काम करेंगे। देखो, सरकार ने पूरा धोखा कर रही है। सरकार बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, उनको सस्ती जमीन देकर फायदा हो, सस्ता अनाज देकर फायदा हो, तो सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है। MSP गारंटी कानून अगर बनाएगी तो बिहार का किसान 800 रुपए में अपना धान नहीं बेचेगा, उत्तर प्रदेश का किसान जो धान में लूटता है, पंजाब और हरियाणा का जो किसान लूटता है, अगर कानून बन जाएगा तो सस्ते में नहीं बेचेगा, इसलिए ये MSP गारंटी कानून नहीं देंगे, क्योंकि व्यापारी को सस्ते में अनाज देना है और वे महंगे में कंज्यूमर को बेचने का काम करेंगे। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में क्रॉसिंग सिटी के हाई राइट सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी चेजिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं गुस्सा सोसाइटी में कुछ लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया, जिसके चलते पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
क्रॉसिंग रिपब्लिक चौकी क्षेत्र है, थाना विजयनगर के अंतर्गत आता है। इसमें महागुण मेस्कट सोसाइटी है जिसमें RWA का कुछ विवाद चल रहा है, सिक्योरिटी को अदला बदली को लेकर के। इसके संबंध में कुछ वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इसमें जो लोग हैं जो अराजकता वहाँ कर रहे हैं, लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मौके पे पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में गोद ली हुई नाबालिग बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी है। प्रेम प्रसंग को लेकर कई बार पिता बेटी में आपस में बहस हो चुकी थी, जिस पर बेटी ने मौका पाकर अपने पिता की हत्या कर दी है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर आरोपी नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र कौसाम्बी में सेक्टर 4 वैशाली एरिया में रहने वाले अनिल सक्सेना की 22/9/2022 को दिन में हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर सभी उच्चाधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां सभी छानबीन किया गया। छानबीन के आधार पर पता चला कि जो मृतक है उसकी नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी, इनके खिलाफ हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले। उस आधार पर हमारी करीब तीन चार टीमें उसी दिन से काम करने लगी। इसके बाद आज हम लोगों ने जो हत्या करने वाले हैं, जो मृतक की बेटी तथा उसका प्रेमी जिसका नाम राहुल है, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों ने अपनी घटना को कबूल किया है। अलीगढ़ के गांव नूरपुर में भाजपा नेत्री साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया। साध्वी प्राची के द्वारा शिव मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आगमन किया गया है। इस दौरान साध्वी प्राची के द्वारा PFI पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूद समय में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश के हालात कुछ दुश्मनों के द्वारा दहलाने वाले बन गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दुश्मनों की नाक में नकेल डालने का काम किया गया है। यही कारण है कि PFI के 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मूर्ति की स्थापना, हनुमान जी के जो मूर्ति उसकी स्थापना का कार्यक्रम था, उसमें मैं आई हूँ। काफी दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा था लेकिन मैं आ नहीं पा रही। आज मैं यहाँ पर आई, बहुत मन खुश हुआ। खबर गोंडा से, जहां कटरा बाजार पुलिस ने वाहन चोरों पर रोक लगाने के चलते सघन जांच करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी पर अन्य थानों के कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के वाहन, अवैध तमंचे को भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया संत विनोबा PG कॉलेज के छात्रों ने BA प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम देर से घोषित किए गए हैं। इसी के चलते छात्र संघ चुनाव को लेकर दर्जनों की संख्या में छात्र उग्र हो गए हैं और सभी छात्र नेताओं ने कॉलेज में धरना देकर विरोध किया। छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी ने कहा कि विद्यालय में चल रही धांधली और छात्रों की बातों को अनसुनी किया जा रहा है। अध्यापक और प्राचार्य समय पर से नहीं आते हैं, छात्रों को कोई व्यवस्था नहीं मिली है, लाइब्रेरी में छात्रों को पुस्तक नहीं मिल पा रही है, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि छात्र उग्र होकर सड़क पर उतर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी। हमारी मांगे हैं, छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश न्यायालय ने भी दे दिया है। 6-7 हफ्तों के बीच न्यायालय छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आदेश दे चुका है, प्लस महाविद्यालयों को स्वतंत्र रखा गया है कि छात्र चुनाव करा सकता है। प्लस हमारे यहाँ अभी BA सेकेंड ईयर के बच्चों के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, जिसके लिए कुछ दिन पहले हम सभी छात्रों ने मिलकर प्रधानाचार्य से प्रदर्शन किया था, तो उसमें थर्ड ईयर के रिजल्ट तुरंत घोषणा हो गई थी 24 घंटे के अंदर। अभी तक BA सेकेंड ईयर के छात्रों की रिजल्ट नहीं आए हैं। प्लस जल यहाँ विद्यालय में पानी का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बच्चों को लाइब्रेरी से किताबें नहीं मिल रही हैं और खेलने के लिए यहाँ पे अभी सब व्यवस्थाएं विद्यालय में उपलब्ध हैं, पर कोई टीचर ही नहीं है। प्लस क्लास अभी आपने देखा कि क्लासरूम में छात्र बैठे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। हरदोई में महिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिसमें मरीजों ने टांके पकने और बिना स्प्रे ड्रेसिंग करने का आरोप लगाया है। करीब आधा दर्जन मरीजों के टांके पक गए हैं, जिसमें एक मरीज को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद गुस्साए तीमानदारों ने डॉक्टरों और CMS के सामने हंगामा काटा।
10 महीने पहले 31 अक्टूबर को हमारी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था। हमको ये तक नहीं बताया गया किस डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन किया। उसके बाद में हम कई बार हॉस्पिटल दौड़े, हमारी वाइफ के कुछ टाके पके थे, अब पेट में उनके गांठ ऐसी पूरी पड़ गई है, करीब 6-7 इंच की है। तो उसके बाद में अब हमारी बच्चे की दोबारा डिलीवरी हुई है, इसलिए जो है पहले ना हर डॉक्टर को हमने दिखाया, वो एक ही बात हमसे पूछता था किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, किससे ऑपरेशन कराया है। हम कई बार यहाँ स्टाफ से मिले, हमने पूछा कि 31 अक्टूबर को किस डॉक्टर की ड्यूटी थी, किसी ने कुछ नहीं बताया। लोगों ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना परसों आना। उसके बाद जो हम लोगों को पैसा मिलता है ऊपर 34 नंबर रूम में, हमें कब वहाँ पेपर जमा किए का करीब 7 महीने हो गए, 7 महीने से एक भी पैसा हमारे खाते में नहीं आया। मुंबई के मैनपुरी के खिरिया गांव में हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों के पास से सोने के जेवरात बरामद किए हैं और कई अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उल्लेखनीय यह है कि ये परिवार एक बर्थडे में कन्नौज गया हुआ था, जहाँ पे ये अपराधी वहीं से उनके पीछे लगे हुए थे और पीछे लग करके आगे जैसे ही उनको जगह मिली ओवरटेक करके गाड़ी रोक करके इनके साथ लूटपाट की घटना की गई। इसमें अभी और भी अभियुक्त कुछ शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मैनपुरी के अदर गांव के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित किए गए शस्त्रों को गैर जनपदों में बेचे जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सूचना के आधार पर SO अलाउ द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश दी गई, तो वहाँ पे भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के सामान और 15 बने और अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए। वहाँ से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, रवि, अवधेश और दीपक को, और इस काम में जो 3 और सहयोगी हैं जो दूसरे जनपदों में भी ले जाकर के इसको बेचते हैं, जगजीवन राम, राजेश शर्मा और छोटू, इनकी तलाश की जा रही है। इसमें इनका एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है जो न सिर्फ इस जनपद में बल्कि अगल बगल के जनपदों में भी सप्लाई करते हैं। इसमें अभी विवेचना के दौरान जो भी अन्य तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया में हेमंतपुर गांव के पास डेरा में सो रहे युवक की हत्या का मामला है। आरोप है कि 52 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के बाद हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर शव को रख दिया गया। वहीं SP समेत कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को मनाने पर शव